नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉय चैनल में। दोस्तों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 1 अक्टूबर से नया पेंशन यानी सातवें वेतन के हिसाब से पेंशन मिलने जा रहा है और इसी के साथ साथ 3.5 सालों का एरियर्स भी 1 अक्टूबर को मिलेगा। तो इसका लाइव प्रूफ भी मैं दिखाऊंगा। इसके पहले मैंने पेंशन को लेकर बहुत सारे वीडियो बनाया था और बताया था कि सातवें वेतन के हिसाब से पेंशन कितनी होगी, पर बहुत लोगों ने कमेंट करके कहा था कि सातवें वेतन के हिसाब से सरकार पेंशन नहीं देने वाली है, केवल बेवकूफ बना रही है। और इसके साथ ही साथ बहुत लोगों ने कहा था कि चौथे पांचवे आयोग से जो कर्मचारी रिटायर हुआ है उनका छठवें वेतन के हिसाब से सरकार पेंशन नहीं दे पा रही है, तो सातवें वेतन के हिसाब से क्या पेंशन देगी। और मुझे भी पर्सनली कहा था कि आप केवल बेवकूफ बना रहे हो। पर दोस्तों, चौथे पांचवें आयोग से जो कर्मचारी रिटायर हुआ था भले ही छठवें वेतन के हिसाब से पेंशन नहीं पाते होंगे, पर सातवें वेतन के हिसाब से उनका पेंशन रिवाइज होगा। इसका लाइव प्रूफ भी मैं आपको दिखाऊंगा कि सातवें वेतन के हिसाब से पेंशन मिलेगी और इसके साथ ही साथ जितना बकाया है उसका एरियर्स भी मिलेगा और यह अमाउंट 1 अक्टूबर को आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो इसका लाइव प्रूफ मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो चलिए चलते हैं लाइव प्रूफ की तरफ। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको दबा के फ्री में सब्सक्राइब कर लीजिए और पास के बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, क्योंकि मैं कर्मचारियों और पेंशनरों के काम की वीडियो इस चैनल पे देते रहता हूँ। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे तो एक कर्मचारी 30 जून 2010 को छठवें वेतन से रिटायर हुआ था और इनकी बेसिक 14,470 और 4200 ग्रेड पे थी, तो इनकी सातवें वेतन में 23,991 नई बेसिक पेंशन बनी और 12% के हिसाब से DA 2,879 हुआ और टोटल पेंशन 26,870 इनके अकाउंट में 1 अक्टूबर को क्रेडिट होने जा रहा है। और इसके साथ ही साथ 3.5 सालों का एरियर्स भी मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं एरियर्स कितना मिलने जा रहा है। दोस्तों, जो एरियर्स मिलेगा वो 3.5 सालों का मिलेगा, पर एक साथ नहीं मिलेगा, ये 4 स्टेप में ये अमाउंट मिलने वाला है। तो एरियर्स का पहला स्टेप 1 अक्टूबर को आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा, यानी जो 2010 में 14,470 और 4200 ग्रेड पे जो कर्मचारी रिटायर हुआ है उनको लगभग 61,000 एरियर्स फर्स्ट स्टेप में मिलने जा रहे हैं और बाकी का एरियर्स अगले साल जून 2020 को मिलेगा। और इसके साथ ही साथ जो मार्च 2018 में 4200 ग्रेड पे रिटायर हुआ था उनका बेसिक पेंशन 28,926 होने वाली है और 12% के हिसाब से डीए जोड़ने पे कुल पेंशन 32,397 मिलने वाला है। इसके साथ ही साथ इनको भी एरियर्स मिलेगा, तो एरियर्स जोड़ के पूरा अमाउंट 1 अक्टूबर को आपके अकाउंट में क्रेडिट होने वाला है। दोस्तों, जो सच्चाई है वही मैं बताता हूँ, आपको बेवकूफ नहीं बनाता। आपने लाइव प्रूफ भी देख लिया, अब आपको और क्या चाहिए। तो प्लीज, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।